हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एडविन टेक्नोलॉजीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ज्वेलरी आरपी सॉफ्टवेयर्स की कुछ फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस ज्वेलरी सॉफ्टवेयर के स्पेशल फीचर्स क्या हैं। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर रिटेलर्स के लिए है, जो ज्वेलरी रिटेलर्स हैं, जो सेल परचेस का काम करते हैं, जो गिरवी रखते हैं, ये उनके लिए है। तो कैसे इसकी एंट्री करेंगे, कैसे आइटम की एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट में पार्टी का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस ए आपको क्लिक करना पड़ता है। यहाँ से आप पार्टी का अकाउंट क्लियर कर सकते हैं। अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं कि कौन कौन से अकाउंट ग्रुप हैं, आप इस तरह से अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। आइटम की क्रिएशन होती है, आइटम क्रिएट करने के लिए हम आपको न्यू में क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका आइटम का डैशबोर्ड ओपन जाता है, जिसमें आप आइटम की एंट्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने को पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसके स्पेशल फीचर्स में और क्या है, जैसे कि यहाँ पे लोन की एंट्री कैसे होती है, लोन रिसिप्ट कैसे जनरेट होता है, मटेरियल कैसे इशू होता है, मटेरियल कैसे रिसीव होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको इसमें समझाएंगे। और इसमें और भी सेटिंग्स में दिखाएंगे कि आपको क्या क्या फीचर इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको सेटिंग्स में चलते हैं। जब आप ऑप्शंस में जाते हैं यहाँ पे, तो सेटिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूज मिनिमम टैब ओनली सेल। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो मिनिमम टैब का यूज कर पाएंगे आप। यहाँ पे है कैलकुलेट प्राइस एज पर ग्राम। अगर आपको ग्राम के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करनी है तो आपको यहाँ कर दीजिए, राउंड अप ईच आइटम इन सेल ये क्लिक कर दीजिए। इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर आपकी जो करेंसी है, जो वैल्यू है, वो 50 पैसे या से 60 पैसे या पैसों में आती है, तो उसका लेन देन बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे हमको राउंड ऑफ कर देते हैं। आस्क प्योरिटी टच परसेंटेज इन सेल। अगर आपको प्योरिटी का पता करना है कि हम जो एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कितना प्योरिटी है, कितना टच का है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे। इनेबल टैग नंबर मैनुअल इन टैग एंट्री। टैग नंबर क्या होता है, जो बारकोड हम जनरेट करते हैं, क्या हम उसको मैनुअली भी अपने हिसाब से इंटर कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ इनेबल कर दीजिए, अदरवाइज हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको ले लेगा। फिलहाल अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी इन सेल, जब भी अभी हम इसको सेल करते हैं तो वहाँ ब्लैंक होता है कि क्या क्वांटिटी रखनी है। अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी रखना है तो इसको वन कर देते हैं। सो कस्टमर एंड सप्लायर सेपरेटली, ऑटोमेटिक राउंड अप इन सेल्स, बिल्कुल ये टोटल बिल में राउंड अप हमने इसको वन कर दिया है। अगर आपको परचेज में भी करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, ईच आइटम में करना है तो कर सकते हैं, और अगर इस सारे प्रोडक्शन में अगर आपको लेबर कॉस्ट फिक्स करनी है तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट भी फिक्स कर सकते हैं। अगर हम इसको कर दें 250 रुपीज़ तो आपको फिक्स हो जाएगा। आस्क द ट्रांसपोर्ट डिटेल, कैश फर्स्ट, सेट फोकस ऑन डेट आफ्टर ईच क्विक एंड बैंक एंट्री, इस तरह से सारी चीज़ों को ऑन और ऑफ करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे देख एजेंट नेम इन क्विक रिसिप्ट, अगर आपको एजेंट का नाम भी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दें। एजेंट मतलब जो सेल करते हैं। सो पार्टी लास्ट डिटेल इन सेल एंड परचेज, किसी पार्टी का भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो लास्ट में उसका अगर हुआ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो बता दे। इस तरह से बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं। ओपनिंग स्टॉक किस में होना चाहिए, आइटम की ओपनिंग वैल्यू में होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो इस तरह से डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सो करेंट डेट होना चाहिए, इस तरह से आपको प्रीव्यू क्या करना है, ओरिजिनल कॉपी, प्रिंट ओरिजिनल कॉपी, तो प्रीव्यू हमें ओरिजिनल कॉपी में ही देखना है। अगर आपको सबका निकालना है तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं, ओरिजिनल प्लस ट्रांसपोर्ट का डुप्लीकेट। तो अभी हम प्रीव्यू करते हैं। प्रिंट समरी इन वॉइस, GST% या एडिशन कोड वाइज समरी, आप दोनों तरीके से निकालते हैं। GST वाइज निकालेंगे तो GST वाइज आएगा, एडिशन वाइज निकालेंगे तो एडिशन वाइज आएगा। रिटेल इनवॉइस के ऊपर क्या प्रीफिक्स रखना है वो डाल सकते हैं। पैट की क्या इनवॉइसिंग, वो यूज क्लासिकल प्रिंटिंग, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको 24 कैरेट में कुछ चेंज करना है, 16 कैरेट में कुछ और लिखना है, तो ये यहाँ सारी चीज़ें अपडेट करते हैं, लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कर दिया हमने, सारी चीज़ों की सेटिंग हो चुकी है। अभी हम इसमें अगर इसका टुडे रेट, ये जो हमारा गोल्ड और सिल्वर का रेट है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, चेंज टुडे रेट, ये ऑप्शन है यहाँ पे। आप यहाँ पे जाकर रेट चेंज कर, जैसे आप सिल्वर का रेट 60,000 शो कर रहा है, अभी मैं इसको 80,000 कर दूँ और ओके कर दूँ, तो
तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम में अपडेट हो गया। इस तरह से आप किसी भी ज्वेलरी के कैरेट के अकॉर्डिंग आप प्राइसिंग मार्केट के ट्रेंड के अनुसार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेकबुक का भी ऑप्शन है कि बैंक नेम क्या होना चाहिए, बुक नेम क्या होना चाहिए, किस नंबर से किस तक है। अगर आप ये मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप इसमें सबसे पहले एक बैंक बना लीजिए। आपका बैंक का नाम क्या है, यहाँ पे सिंपली हमने बना दिया HDFC बैंक और इंटर किया, ऑटोमेटिकली बैंक बुक आ जाएगा, इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि HDFC बैंक बन गए। इसके बाद आपने बुक नेम डालना है, तो इसको बुक 20 कर दिया हमने। फ्रॉम नंबर, किस नंबर से स्टार्ट है, 501 से स्टार्ट है, टू नंबर 550, मतलब आपकी पासबुक की 50 के लिए प्लेट है, इसको हमने सेव कर दिया। इस तरह से यहाँ पे ये भी सेव हो गया। अभी आप देखेंगे सर्विस हेड, सर्विस हेड किस चीज़ की है, तो हमने इसमें सर्विस हेड में जनरल ही रहने दिया क्योंकि इसमें एडिशनल कोई सर्विसेज हम यूज कर पा नहीं रहे। सेल टाइप, परचेज टाइप, तो आपको पता है इसमें क्या होता है, आप इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव टैग्स के बारे में बात करते हैं, वो नहीं चेंज करें। अगर आपको यूजर की प्रोफाइल वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से आप यूजर की प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे यूजर की प्रोफाइल, पहले तो हमें यूजर बनाना होगा। हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सुपर एडमिन और सुपर यूजर बना रखे हैं। अगर आप यहाँ पे कोई ऑपरेटर चेंज करते हैं, सब कुछ ये देखिए सारे सुपर ही बने हैं, तो यहाँ पे हमें ऑपरेटर बनाना है। न्यू करेंगे और यूजर का नेम डाल देंगे मी, और ये ऑपरेटर इसको बना देंगे और इसका पासवर्ड है मी, और इसको हम सेव कर देंगे। तो अभी मी के पास क्या राइट्स हैं ये चेक करने के लिए हम यूजर प्रोफाइल में जाएंगे और लिस्ट ऑफ प्रोफाइल चेक करेंगे। यहाँ पे ऑपरेटर है, पोजीशन नेम क्या है, ऑपरेटर डाल दीजिए और उनको क्या क्या चीज़ें देने हैं, कोई भी आइटम वो डिलीट ना कर पाए तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। अभी आप देख पा रहे हैं कि सेल डिलीट नहीं कर पाएंगे, वो व्यू कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, मॉडिफाई का भी ऑप्शन हटा दीजिए। इस तरह से हाइड कर सकते हैं रेट सेल्स में, लॉक कर सकते हैं डिस्काउंट को, लॉक करते फ्री एक्टिवेट दीज मेनू ऑल्सो, लॉक मास्टर मेनू, लॉक रिपोर्ट मेनू। अगर आपको चाहिए कि इनको लॉक करना है तो आप इसको आसानी से यहाँ लॉक कर देंगे, वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, उसमें काम नहीं कर पाएंगे। लॉक मास्टर मेनू करके देखते हैं कि इसमें रेट वगैरह वो चेंज नहीं कर पाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कैसे क्या करना है। लॉक पर्सनल अकाउंट, लॉक रेट भी, लॉक डिस्काउंट, जो भी आपको लॉक करना है। लॉक बैक डेट एंट्री, अगर आप सिस्टम में बैक डेट एंट्री नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉक कर दीजिए, आप बैक डेट की एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें उसकी प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा, ऑपरेटर की फिर बनाना पड़ेगा इसमें। इस तरह से आप बना लीजिए इसको पहले और इस तरह की एंट्री कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। टाइप मिसमैच है, इसको चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो यूजर में जाएंगे आप, ये मी, पोजीशन, पासवर्ड, यूजर नेम मी, ऑपरेटर, पासवर्ड भी दिया मी, और सेव कर दीजिए। न्यू यूजर हैज बीन एडेड, ये यूजर अभी बन चुका है और हमारे पास यूजर की जो प्रोफाइल है, लिस्ट ऑफ प्रोफाइल यहाँ पे आ गई, पोजीशन नेम आपकी ऑलरेडी आ रही है। तो ये करने बाद हम इसको अपडेट कर देंगे, इंटर पोजीशन नेम, ये सब ऑपरेटर्स के लिए अपडेट हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि मास्टर्स में कैसे क्या करना है, क्योंकि मास्टर्स लॉक हो चुका है, शायद इससे काम नहीं हो रहा है इसमें। अभी ट्रांजेक्शन में चल के देखते हैं कैसे सेल करेंगे इसमें और कैसे सेल का रिटर्न करेंगे, वो हम आपको बताते हैं कैसे होना है। सेल करने के लिए सेल चालान कैसे होता है, तो हम आपको सेल चालान करके दिखाते हैं। सिंपली न्यू करते हैं इसमें, और हमने एक रामूजी ज्वेलर्स के नाम की पार्टी है जो हमने पहले बना रखी थी, इसमें हमने क्या करना है, आइटम गोल्ड रिंग है जो हमने पहले बना रखी है। देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें टैग नंबर आ चुका है, ये एंट्री कर दीजिए। इंटर प्योरिटी परसेंटेज, कितना परसेंट प्योरिटी है, अगर ये 75% है तो इसको 75 कर देंगे प्योरिटी, उसके अकॉर्डिंग ये वेट ले लेगा। यहाँ पे क्वांटिटी 1 डाल दीजिए, यहाँ लेबर का ग्राम 250 डाल दीजिए, नेट वेट भी डाल दीजिए।
इस तरह से लेबर कैलकुलेट हो गया और आप इसकी प्राइसिंग भी आ गई इस तरह से। प्योरिटी के अकॉर्डिंग देखा आपने कि यहाँ पे 54,368 रुपये इसका रेट चेंज हो गया और इसको हम सेव कर सकते हैं। इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखाएगा, फॉर्मेट सेट करना होगा हमें इसका। तो फॉर्मेट सेट करने के लिए हम यहाँ पे उसका इनवॉइस का फॉर्मेट लगाते हैं, ये GST invoice.rpt। आप इसको GST invoice के फॉर्मेट को ओके कर दीजिए और अपडेट कर दीजिए। इस तरह से आपका ये सेव हो गया। इसको प्रिंट देखने के लिए हमें क्रिस्टल रिपोर्ट भी इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो भी सिस्टम पे पहले क्रिस्टल रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं जो हमने सेल किया उसकी रजिस्टर में कैसे एंट्री होनी है। तो सेल रजिस्टर हमने खोला और ओके किया, तो ये देखा आपने रामोजी ज्वेलर्स का हमने जो सेल किया है वो वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम इसको प्रिंट करें तो इसमें क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल नहीं है, जिस वजह से नहीं प्रिंट हो रहा है। इसको एक्सपोर्ट करना हो तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जैसे हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट किया तो ये एक्सेल में हमारा दिखाने लगा, तो इसको हमने एक्सेल में इस तरह से एक्सपोर्ट कर लिया। टैग नंबर, HUID नंबर, क्वांटिटी, ग्रॉस वेट, प्योरिटी, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टोर कर लेते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है इसको हम एक्सपोर्ट करके एक्सेल में भी मैनेज कर सकते हैं। तो अब अगर हमें सेल बनाना है, सेल चालान हमने बनाया था, अभी हमें न्यू सेल करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्रेडिट में गए, पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो पेंडिंग चालान थे, जो भी हमने चालान बनाए थे जिनको हमें चालान को कन्वर्ट करना है बिल में, वो यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर दीजिए, चालान ऑटोमेटिकली सेल में कन्वर्ट हो चुका है और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। इस तरह से ये आपका बिल सेव हो जाता है। तो बहुत ही आसान है इस सॉफ्टवेयर के अंदर सेल को मैनेज करना। अभी इनकी देखिए जो पेमेंट है 13,05,12 का, जो ये पेमेंट अगर आप यहाँ पे कलेक्ट करते हैं 13,05,182 कैश में, अगर आप ले रहे हैं तो कैश में ले सकते हैं इसमें, या बैंक में डालना चाहें तो कार्ड में ले सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं कि किस में कैसे जा रहा है। चेक नंबर से लेना तो चेक नंबर से ले सकते हैं। बैलेंस अमाउंट कुछ नहीं, हमने कैश में ले लिया और इसको हम सेव कर देंगे। बिल नंबर हमने गलती की एंटर नहीं किया है, तो हमें बिल नंबर डालना पड़ेगा। बिल नंबर डालने के लिए आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ता है और ये सेव करना, तो आपकी सेल एंट्री सेव हुई। डू यू वांट टू प्रिंट? यस। ये देखिए इनवॉइस आपकी दिखा रही है, इसका प्रीव्यू देखेंगे तो चूंकि हम प्रीव्यू से देख पा रहे हैं कि हमारे में क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल नहीं है। इस तरह से ये प्रीव्यू आपकी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। आप इसको एक्सेल में भी ले सकते हैं, एक्सेल में लेने के लिए आपको इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, एक्सेल में ले सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, वो आपको सेट करके दे देंगे। इस तरह से आप इसकी सेल को, चालान को कैसे सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी तरह परचेज चालान को भी परचेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल ऑर्डर, सेल रिटर्न, ये सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। लोन की एंट्री कर सकते हैं। लोन की एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने लोन एंट्री का नया वीडियो आ जाएगा, नया सॉरी विंडो आ जाएगा, और इसमें आप सेल नंबर डालेंगे रामोजी जी को अपने यहाँ पे, अगर कितने परसेंटेज पर डे है या मंथ है, मंथ हमने लगा दिए, गोल्ड का है, कितना गोल्ड वेट है, सपोज 10 ग्राम का है, प्योरिटी कितनी है 90%, तो 9 ग्राम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेगा और इसको हम करेंगे सेव। लोन एंट्री आपकी सेव हो गई, इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं, बट अभी क्रिस्टल रिपोर्ट का इशू आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से लोन की एंट्री और लोन का रिसिप्ट भी हम देख सकते हैं। अगर हमें लोन की रिसिप्ट लेनी है तो कैसे करेंगे, रिसिप्ट नंबर 2 HDFC बैंक रामोजी, ये आप देखें अमाउंट कितना था, 20,000 रुपये इन्होंने लोन लिया था। आप इसमें दूसरी एंट्री देखेंगे तो इसमें ज़्यादा दिखाएगा अमाउंट, अभी अमाउंट दिखाया नहीं, तो इन्होंने 50,000 रुपये हमने इनको लोन अमाउंट दे दिया। इंटरेस्ट अमाउंट भी अगर कुछ है तो भी आ जाएगा, हमने लोन अमाउंट लेना है और इसको सेव कर देना है। इस तरह से लोन रिसिप्ट भी आपकी सेव हो जाती है। तो इस तरह से हम इसमें लोन की एंट्री भी देख पा रहे हैं। और मटेरियल इशू करना है, इसमें एक और फीचर है मटेरियल इशू, मटेरियल रिसीप्ट, अगर किसी कारीगर को या किसी लोगों को हम कुछ सामान दे रहे हैं तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। सपोज वाउचर नंबर 2 में हमने यहाँ पे गोल्ड रिंग है, अगर मुझे मान लीजिए खड़ा गोल्ड देना है, गोल्ड
ब्रेक करके सपोज एक आइटम बना लेते हैं, इसको गोल्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं। सेव करने के बाद ये आइटम हमारा सेव हो गया। अभी अगर हम यहाँ पे उस आइटम को लेंगे तो हमारे पास गोल्ड ब्रिक आने लगी, आप देख पा रहे हैं। अब ये गोल्ड ब्रिक के डिटेल है, फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, कितने किलोग्राम था, कितनी क्वांटिटी थी। तो इसको हम मान लेते हैं 250 ग्राम था। प्योरिटी कितनी थी इसकी, प्योरिटी थी 80%, तो नेट वेट उसका 200 ग्राम आ गया ऑटोमेटिकली। ये आपने उनको रिसीव करवा दिया। इसी तरह से जब वो रिटर्न करके आपको दे रहे हैं मटेरियल, तो आप उसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, वाउचर नंबर 1 में गोल्ड ब्रिक डालेंगे और मटेरियल, अब आप देख रहे हो कितना रिसीव हो रहा है आपको। तो उन्होंने आपको 250 ग्राम रिटर्न किया, कितनी प्योरिटी के साथ, 90% के साथ, 80% के साथ, या 70% तक, जो भी देंगे वो आप यहाँ पे पता कर लेंगे आपकी कितनी शॉर्टेज है, क्या है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अगर आपको सेम परसेंट में लेना है 80% की प्योरिटी में, तो आप रिटर्न करके इसको एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट आपके पास लेन देन में आ जाता है। अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी गोल्ड ब्रिक का भी स्टॉक देख सकते हैं कि सेल क्वांटिटी 200 थी, क्लियर क्वांटिटी 2 थी, मतलब जो भी आपने दिया था वो आपको आ गया है। स्टॉक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेमेंट रिसिप्ट, कंट्रा, ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं वाउचर नंबर से, तो आप इसको वाउचर नंबर 1 में जाएंगे। डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। जैसे रामोजी ज्वेलर्स हैं, कितना अमाउंट दिया इन्होंने, 60,000 रुपये आपने इनको डेबिट किया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के सेव कर दीजिए। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट कोड शुड बी इक्वल, तो अगर आपको क्रेडिट और डेबिट दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट है नहीं कोई यहाँ पे, इसलिए नहीं आया था, तो यहाँ पे हमें डेबिट करना होगा। यहाँ पे दे रहा है कि क्रेडिट और डेबिट शुड बी इक्वल, तो पेमेंट, अभी पेमेंट हमने इनसे ले तो लिया है, बट किस लिए अगेंस्ट ये कोई पता नहीं है। कोई लॉन्ग नरेशन लिखना तो यहाँ फोर करके लिख सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि हम सेल के बारे में कैसे काम करते हैं, लोन एंट्री कैसे करते हैं, इसमें मटेरियल के बारे में कैसे काम करते हैं। किसी पार्टी को क्विक पेमेंट करना है या क्विक रिसिप्ट करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। पार्टी को अगर क्विक पेमेंट करना है तो आप चेक से कर सकते हैं या बैंक से कर सकते हैं। पार्टी जैसे मान लीजिए है रामूजी ज्वेलर्स है, इंटर चेक नंबर 546, ये आपने डाल दिया, चेक की डेट डाल दी है। और यहाँ पे बैंक का नाम डाल दिया, ये चेक उनको दे दिया 25,000 रुपये का, और इसको सेव कर दिया। इस तरह से क्विक पेमेंट सेव हो गया। आप इसका प्रीव्यू देख के वाउचर भी देख सकते हैं, प्रीव्यू यहाँ पे, तो इसका वाउचर भी आपको दिख जाता है। तो आपने देखा कि क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट की एंट्री आसानी से इसमें हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कैसे रिपोर्टिंग देखते हैं, सारी की सारी सेल परचेज की रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिखेगी, मटेरियल की रिपोर्ट, जो आपने मटेरियल इशू किया, जो मटेरियल आपने रिसीव किया, मटेरियल पार्टी की रिपोर्ट आप देखेंगे यहाँ पे, गोल्ड रिंग, गोल्ड ब्रिक, तो वो पार्टी वाइज आप मटेरियल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, वेट वाइज चेक कर सकते हैं क्या वेट था यहाँ पे, और इनकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसी तरह से आपने क्या मटेरियल इशू किया था वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे किस पार्टी को कितना मटेरियल इशू किया था वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, और सेल रजिस्टर की समरी देख सकते हैं कि कितना हमारा प्रोडक्ट अभी सेल हुआ है, वो यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है। आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। एक्सपेंड करना चार्जेस तो एक्सपेंड कर लीजिए, टैग नंबर, क्वांटिटी, ग्रॉस वेट, ये वेट, प्योरिटी कितनी थी, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ज्वेलरी बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए। आप इसका डेमो वर्जन हमारी सॉफ्टवेयर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमसे हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको डेमो दे दिया जाएगा इसका, और इसको आप यूज कर सकते हैं। स्टॉक की रिपोर्ट के लिए यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि अगली वीडियो जो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।